हेलो जी, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर जी सभी को। सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान करे ये नया साल आपके लिए अपार खुशियां और सफलता लेके आए जिंदगी में। आपका स्वास्थ्य बना रहे, हम सब खुश रहे, हमारे जीवन में खुशहाली रहे, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, उनको सफलता मिले, जिस चीज की आप सबकी जो चाहत है वो सब आपकी चाहते हैं इस साल पूरी हो जाए। हम सब भगवान से यही जो है कामना करते हैं। और आज हम आपको एक ऐसी मशीन का रिव्यू करेंगे जिसको यूज करते हैं हमें करीब 10-12 साल हो गए, 8-10 साल तो एटलीस्ट हो ही गए। और जो सर्दियों के लिए एक तोहफा है आपके लिए, या अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि तो अलादीन का चिराग है, जो हमें मतलब ओकेजनली हाथ लगा, हमें पता नहीं था कि ये ऐसी मशीन है। हम कोई आइटम दूसरा खरीदने गए थे, उसके साथ ही कुछ डिस्काउंट पे मिल रहा था हमें, बट हमें आगे पता चला कि ये तो वास्तव में ऐसी मशीन है जो सर्दियों में आपके लिए, क्या है डॉक्टर साहब? सर्दियों में जो है आपका काम इतना इजी कर देती है, या हाँ वही बात है ना, अलादीन का चिराग साबित हुई है कि हाँ मिनटों में जैसे उसे हम यूं कहें कि ये दे दे, तो वही तो ये भी हमें क्या करेगी, कपड़े सुखा के दे देगी। बिल्कुल, क्योंकि देखो सर्दियों में जो कपड़े हैं वो तो हमें डेली रिक्वायर्ड हैं और बदल के हमें डेली पहनने पड़ते हैं, बच्चों के भी हैं, हमारे भी हैं, ऑफिसेज के भी हैं, तो आपको टेंशन नहीं रहती कि आज सूरज निकला है या नहीं, आज बारिश है या कैसा मौसम है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती कि सर्दियों में आपके कपड़े कैसे सूखेंगे। तो और ज्यादा ना बातें मारते हुए हम इसका आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या असेंबलिंग दिखाएंगे, इसमें डॉक्टर साहब कपड़े लगा के दिखाएंगे और इसका पूरा रिव्यू आपको करेंगे। भाई, देखो मुझे तो आगे थे मजे आगे थे क्या आए हैं, बड़ा सहेज के रखा हुआ है मैंने हाँ ये इसको, रखा हुआ। और भगवान करे जब तक रखे रखू, जब तक मेरे पोते पोती धोते धोती पोते बड़े पोती और धोते धोती हो जाएं, ठीक है, बड़े नानी हो जाएं दादी सब। नानी बन जाऊं उस टाइम पे, जो मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम हाँ ना ये हो गए, आए। क्योंकि इसका कुछ बिगड़ा नहीं है, एज इट इज है मशीन ये, बिल्कुल 10-12 साल हो गए। और सर्दियां जैसे खत्म होती हैं तो इसको डॉक्टर साहब रैप करके उसी बॉक्स में वापस रख देते हाँ हैं। जी, चलो दिखाते हैं ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, या यूं कहेंगे वैल्यू फॉर मनी है। और इसके बारे में कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें, और डिशवॉशर से रिलेटेड जो भी वीडियोस हमने डाली हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, हम एक क्वेश्चन आंसर की एक वीडियो हम शूट करेंगे, तो जितनी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सब हम उसमें लेंगे। तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या क्या कमेंट है आपके, कैसा लगा, और आपके अपने एक्सपीरियंस भी आप शेयर करें। हाँ जी, एक जो है ना श्रीमान जी कह रहे हैं, मेरे श्री, कि मेरे जो सब्सक्राइबर लेवल जो है वो उतना नहीं है, मतलब वीडियो देख बहुत रहे हैं, मिलियंस में व्यूज हैं, बट सब्सक्राइबर रेट थोड़ा सा कम है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का हमें हौसला मिले। आपको सब्सक्राइब या लाइक करने से कुछ जाता नहीं है, बट हमारा हौसला बढ़ता है उस चीज से। हाँ जी, तो मेरे जितने भी फ्रेंड हैं भाई, मेरी सहेलियों, मेरी बहनें, मुझे जो बहुत सारी जो मेरी बहनें मुझे दीदी बोलती हैं, तो भाई देखो मेरी इज्जत का सवाल बना दिया ही हाँ, इन्होंने तो जरूर और शेयर भी करें सब्सक्राइब। आपस में भी ताकि पता चले। हाँ जी, इस बारे में हिंदी में वीडियोस बहुत कम है YouTube के ऊपर, मैं अभी सर्च कर रहा था तो उसमें इंग्लिश की वीडियोस हैं, हिंदी की वीडियो मुझे लगता है ये पहली वीडियो हो सकती है इसकी, तो इसको आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि लाइफ सेविंग डिवाइस है आपका, सर्दियों का तोहफा है, अलादीन का चिराग है, तो देखिए ज्यादा बकवास न करते हुए प्लीज। हाँ जी, मतलब आपको वैसे भी इजीली मिल जाएगा, अमेज़न वगैरह से तो मिलेगा ही हाँ, इसका। इसका हम लिंक लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो उसको आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। लिंक डालेंगे, और इसके साथ ही आपके नियर बाई जो भी मॉल्स वगैरह हैं वहां पर भी आपको इजीली मिल बस जाएगा। डॉक्टर साहब काम की बात होने दो, है ना। हाय वेरी गुड मॉर्निंग यार, ये देखो संडे की सुबह बारिश, तेज बारिश का नजारा। नमस्कार, बारिश भी करवा दी ठंड के साथ है, तेज बारिश तो नहीं कह सकते बट यह है कि शुरू होगी बारिश। सही में ये डॉक्टर साहब दूध ले छतरी डाल के। गुड मॉर्निंग, और सर्दियों में देखो ठंड और ऊपर से ठंडा पानी लगे, हाय हाय। कहाँ गए डॉक्टर साहब? अरे क्या कर रहे हो आप? तो यूं कह रहे थे मैं बाजार जा रहे हूँ। मैं अपना सर्दियों का जादुई पिटारा निकाल रही हूँ। ये क्या कर रहे हो, कहाँ चढ़े हुए हो हैं? ये भाई बारिश आ गई, सर्दियां काफी
हो गई है और धूप निकलना बंद हो गई है। तो ये जो चीजें ऐसी ऐसी होती है ना, जिनको हम बहुत कम टाइम के लिए यूज करते हैं, उनको कहीं ना कहीं तो फिर शिफ्ट करना ही पड़ता है। ये मेरी जगह ऐसी है जिसमें वो चीजें रख रखी है जो जनरली यूज नहीं होती, कभी कभी यूज होती है। तो भैया मेरा एक जादुई पिटारा है सर्दियों का, तो इस जादुई पिटारे को मैं निकाल रही हूँ। देखो है, और कैमरा लेके खड़े हैं, ना हेल्प, ना लेना ना देना है, उतारना ना पकड़ना ना। और ठीक है, इनको यूं है कि अच्छा हड्डी पसली टूट जाएंगी और ये काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, कहाँ रखूं, ये लो रख देती हूँ यहाँ पे। लो ये है ना जादुई पिटारा। और ये जादुई पिटारा कोई हम सोच समझ के नहीं लेके आए थे, ऐसे ही किसी चीज के साथ या यूं कहें कि जनरली हमारे हाथ लग गया था। कैसे लगा था वो भी बताऊंगी। तो अभी मैं इसको खोल लेती हूँ, ओपन करती हूँ। कई साल पुराना हो गया है, इसका जो है डिब्बा भी काफी पुराना हो गया। कितने साल बताऊं, 2007 या 8 में ये हमारे हाथ लगा था। यूं कहेंगे वो अलादीन का चिराग जिसको बोलते हैं ना, वो अलादीन का चिराग जैसे हाथ लगा था। तो अब ठंड हो गई है भाई, और सुबह बारिश भी हो गई थी, तो कपड़े सुखाने में दिक्कत आती है। ठीक है, कपड़े सुखाने से आप समझ ही गए होंगे। तो ये मेरा जादुई पिटारा जो जिसको मैं निकाल लूंगी और आपको दिखाती हूँ। ये रहा मेरा जादुई पिटारा, ये है यूनिवर्सल, क्या लिख रखा है देखो, हमें जान नहीं, ये भी यूनि स्टार इलेक्ट्रिकल क्लोथ्स ड्रायर। हाँ, ये कपड़े सुखाने का है ये। हाँ, देखो ये वही क्विक वाला है। हाँ, और ये हम माइक्रोवेव ओवन खरीद के लाए थे, तो उस टाइम पे कोई ऑफर था, उसके साथ हमें आधे रेट में मिला था ये। हाँ, दो चीजें ऑफर कर रहे थे वो, कि या तो आप प्रेस ले लो या ये ले लो। अब इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा जानकारी भी नहीं थी और हमें पता भी नहीं था। एक्चुअली सर लेके आए, लेके आने के बाद इन्होंने मुझे बताया कि कोई ऐसी चीज है, और इन्होंने बताया कि दो ऑफर मिल रहे थे, एक प्रेस और एक ये। तो मैंने सोचा प्रेस तो घर पे है ही, क्यों ना यही ले लेते हैं, देखते हैं क्या है। और ये लगभग था उस टाइम तो 2500-3000 रुपए का, लेकिन हमें फिर ये 1000-1200 के आसपास ही पड़ा था। हाँ, मतलब ज्यादा कॉस्ट नहीं लगी मुझे। बट ये मैंने अब जब हम इसकी वीडियो बना रहे हैं तो मैंने इसको अमेजन पे सर्च किया, ये 7000 कुछ रुपए का है, और बहुत ही लाइफ सेविंग मतलब डिवाइस कहो आप इसको। हाँ, सर्दियों का जैसे तोहफा कहोगे ना। अरे हाँ, पैसे वसूल वाला काम हो जाता है कई। हाँ, बार हमें ऐसी चीजें हाथ लग जाती हैं जिनसे हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि ये चीज। हाँ, कि ऐसा होगा लगेगी। हाँ जी, चलो आप एक एक निकालो, अब इसको असेंबल करके दिखाओ डॉक्टर साहब। इसको भाई असेंबल बहुत इजी, बहुत इजी असेंबल करना है, 5 मिनट भी नहीं लगते इसको असेंबल करने में। नहीं नहीं, जब ये यूज हो जाता है तो सर्दियों में ऐसे उठा के डाल देती हूँ, तो इसका जो जैसे भी रखने का था वो सारा तो मैंने बाहर निकाल रखा है। अब तो ये मैं वैसे जब हो गया, यूज कर लिया, उसके बाद इसको ऐसे ही डाल, एक साइड में इधर रख लो। तो ये इनके भाई बॉडी पार्ट्स हैं, इसको असेंबल करेंगे अभी डॉक्टर साहब। ये जो है मैं कर लेती हूँ। अब वही है कि इंजीनियर तो सर हैं, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मुझे ऐसा परफेक्ट बना दिया कई काम में। इवन देन इलेक्ट्रॉनिक्स के भी जो काम होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब मैं देखता हूँ वहाँ मंदिर में अपने आप ही स्विच बोर्ड लगा लिया, वहाँ पे बल्ब लगा दिया, तो डॉक्टर साहब खुद इतने मेहनती और वो है। अब एक ही के काम में मैं कर लेती हूँ, कर लेते हैं सब। मैंने तो सभी करते हैं, सारी लेडीज जो है जो घर में रहती है सब करती है। और भाई ये डिब्बा जो है काफी पुराना हो गया है, तो इस वजह से बेचारे के अंजर पंजर भी ढीले हो गए हैं। हाँ, इसकी शक्ल पे मत जाना। बट इसको मैं वापिस वहीं रख देती हूँ एक बार। ये बहुत कम बिजली खाता है और मतलब आवाज भी ज्यादा नहीं है इसकी। हाँ, ज्यादा ठंड हो इसको आप ऐसे हीट कन्वेक्टर यूज कर सकते हो। ज्यादा ठंड हो तो हम इसको यूज भी कर सकते हैं। ये इसकी नोब है जो है ऑफ है, फिर 30 है, 60 है, ठीक है ना, तो इस टाइप से इसका टेम्परेचर वेरी करता है ये, है ना। आप जितने पे करना चाहे उस हिसाब से कपड़े, जैसे आपको जितने जल्दी या नॉर्मल उसमें टाइम में चाहिए। इसको असेंबल करेंगे, इसकी लेग्स हैं, इन लेग्स को डाल लेंगे। इसका ये है पोर्शन, जैसे इस टाइप का है, इसको ऐसे डाल दें। तो तीन इसकी लेग्स हैं, इनको ऐसे डाल लेंगे, ठीक है। ये इसकी टांगें इसमें डल गई हैं, इसको अब हम ऐसे रख लेंगे। तो ये इस तरह से अपना यहाँ पे इसका असेंबल हो गई है ये टांगे। तो और
भाई वैसे तो देखो इसको हो गए हैं 10-12 साल, 2007 या 2008 में लिया था हमने, लेकिन सोचा आज मैं इसको यूज कर रही हूँ तो आप लोगों को बता दूं, क्योंकि कई जो मेरी बहनें हैं वो काफी दुखी हो जाती हैं सर्दियों के टाइम पे, या इवन देन बारिश के टाइम पे भी क्या होता है, बारिश आती रहती है कई कई दिन तक और मौसम ऐसा नहीं होता कि धूप निकलाए और हम कपड़े सुखा दें। और खासकर जो लोग ड्यूटीज पे जाते हैं या इवन देन जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए तो एकदम से ये क्या कहेंगे वो अलादीन का चिराग, ठीक है ना, तो वो अलादीन का चिराग जो जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह 2-3 घंटे में आपको यूनिफॉर्म सुखा के दे देता है और आप फिर उसको कर सकते हो, क्योंकि कुछ तो वॉशिंग मशीन में ही हो जाती हैं लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा गीली गीली सी रहती हैं, उनको हम प्रेस करें तो भी वो नहीं सूखती हैं। तो उसके लिए मेरे बच्चे स्कूल जाते थे उस टाइम पे, मुझे मतलब ये सर लेके आए तो मुझे ये लगा ना तो अवन की कोई जरूरत थी, लेकिन मतलब अवन के साथ ये चीज जो आई ना इसने तो मतलब मजे से दे दिए थे। तो इसी तरह से ये जो है हम इसको यूं डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे है इसका ये टूट गया है इसकी, ऐसे हम इनको चढ़ाते चले जाए, ये हो गया है, ठीक है। इसको और चाहे तो नीचे आप इसको कर सकते हैं लेकिन ना जरूरत है तो इसको जरूर इसको नहीं, कवर, क्योंकि इसकी ये हीटिंग आएगी हाँ। यहाँ से ना इसको कवर नहीं करना है, लिखा हुआ है डू नॉट कवर, हाँ इसको कवर नहीं करेंगे ताकि इस पे कोई कपड़ा वपड़ा ना आए, ये कैप इसके लिए है यहाँ पे बेसिकली। इसको देखो ना तो अंदर से क्या है हीटर की तरह इसके वो दिए हुए हैं फिन्स हैं जैसे, ग्लो करेगा हीट, बस वही है। और अब इसके ऊपर जो है ये लगाएंगे, एक तरह से यही कहेंगे कपड़े सुखाने के लिए, तो इसका मेन पार्ट ऑक्टोपस है ये जैसे, और ये क्या है अम्ब्रेला की तरह ही ओपन हो जाता है ऐसे, इसको जब यहाँ से पकड़ के हम ओपन करेंगे इधर से ये, ठीक है ये हो गया है। यहाँ पे इसका एक छोटा सा ये बटन जैसे अम्ब्रेला में होता है ना ऐसे ही, इसको ऐसे पुश करेंगे नीचे की तरफ तो ये क्या होगा अपने आप ही फिर वापिस बंद भी हो जाएगा हमारा ऐसे, ठीक है ऐसे ही फिर इसको हम खोल लेंगे या ओपन करके रखेंगे या फिर जैसे हम बंद करके रख रहे हैं तो रख देंगे, ये यहाँ पे लॉक हो गया है। और इसको फिर क्या करेंगे इस ऊपर वाला जो पोर्शन है, अब तो नीचे रखना पड़ेगा ऊंचा हो गया, कोई बात नहीं, ये जो पोर्शन है ठीक है ना इसके ऊपर इसकी फिर ये दे रखी है चूड़िया दे रखी है, इन चूड़ियों को हम ऐसे ये टाइट कर देंगे, ये हमारा हो गया नीचे रखो तो ये इस तरह से अपना असेंबल हो गया, ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं कहीं नहीं जाएगा, इसकी चूड़ियों का ध्यान रखना है, चूड़ियां अच्छे से हमने टाइट कर देनी है, ठीक है। और इसको जैसे कई बार हम ना यूज करें और हमें यूं लग रहा है कि घर में तो इसने स्पेस ले रखा है, तो इसको फिर ऐसे करके कहीं भी साइड में कॉर्नर में रख सकते हैं, और नहीं अगर फिर हमें यूज करना है इसको तो फिर इसको फिर दोबारा से ऐसे हम ओपन कर लेंगे, ये हो गया है। अब इसके बाद इसमें क्या है आप जितने कपड़े नॉर्मली सुखाना चाहें लगभग हैंगर्स टांगने के वो हैं, हाँ ये हैं यहाँ पे हैंगर्स लगाना चाहिए हैंगर्स लगा लें, इनमें भी जैसे यहाँ साइड में लग जाते हैं यहाँ भी कुछ, जैसे मैं तो यहाँ पे जो छोटे कपड़े होते हैं सॉक्स हैं हैंकी हैं वो ऐसे करके डाल देती हूँ, और हैंगर्स में या यहाँ पे हैंगर्स में आ जाएंगे यहाँ पे फिर ओपन में भी डाल देती हूँ, जैसे टॉवल वगैरह हैं तो उनको भी इसके ऊपर डाल देते हैं। अब यूं कहोगे कि इसके अंदर सूखेंगे कैसे, तो उसका जो मेन पार्ट है वो तभी रहता ही है, तो मेन पार्ट है अब वो है इसका ये क्लोथ जो है क्या है कि प्लास्टिक टाइप का कपड़ा है, अलग ही वैरायटी है जिसमें से हवा बाहर पास नहीं होती है, बकायदा इसमें चेन दी गई है, जिप लगी हुई है इसके हाँ। अंदर ये जो है ऐसे सारा ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर और साइड में जैसे लंबी जिप दी गई है, ठीक है ये प्रेस इसका कोट कहेंगे। अब इसको हम ऐसे पहना देंगे, ठीक है ये हमने ऐसे पहना दिया है, तो इसके लिए इसकी जो नीचे से फिर ये जो कैप है इसको हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है ये यहाँ से ठीक है ना यहाँ आ जाएगा, इसका जो ब्लोअर है ये यहाँ इसके अंदर दब जाएगा, ये इसकी जिप है, फिर इस जिप को हम जैसे नॉर्मली अपनी जैकेट में कोट में इनमें बंद करते हैं ऐसे ही इसको बंद करते हैं, ठीक है यहाँ तक ऊपर तक इसको जब कपड़े सुखाने हैं तब इसको थोड़ा सा और नीचे ऐसे हम ओपन कर लेंगे, ठीक है और कपड़े अच्छे से डाल देंगे या इसको अंदर उतार भी लेंगे, उतार के फिर दोबारा इसको पहना देंगे, और इसके बाद ये ऊपर वाले और ये ऐसे ये हो गया दोनों तरफ से ये बिल्कुल आ गए हैं, और ये फिर यहाँ से ठीक है ये बंद हो जाएंगे, और ये जो पार्ट है इसको फिर इसके इस कपड़े के साथ ही ऐसे ढक देंगे, ठीक है और अब हम इसको चलाएंगे, चलाने के कुछ टाइम बाद ही ये क्या होगा हवा से भर जाएगा, मतलब इसमें जो गर्म हवा है वो बन जाएगी। मैं इसका स्विच लगाती हूँ ये, ठीक है
ये रहा जैसे, ठीक है। अब इसने देखो यहाँ पे गर्म हवा जो स्टार्ट कर दी है, तो इसको ये जो इसके बटन है, ठीक है, ये ऑफ हो गया है यहाँ पे। अगर आप मेन स्विच से बंद ना करना चाहें, यहीं से कर दें, तो ये ऑफ हो गया है और उसके बाद फिर ये इसकी स्टार्ट हो गई है और इसका नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, ये अपना काम करता रहेगा। लेकिन जब हमने इसको टेम्परेचर पे करना है, जैसे 30 है, 60 है, 90 है, 120 है, 150 है, तो जिस हिसाब से हमें यूज करना है उस हिसाब से हम कर लेंगे। जो भी है वेरिएशन है इसके स्विचेस के, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको गर्म हवा को वेरी कर सकते हैं भाई, है ना। हाँ, लेकिन मैं तो भाई चलाती हूँ ये वाला जो पोर्शन है, ये और ये करके ऑन कर देते हैं। अब देखो ये पूरा हवा से भर गया जैसे, तो ये गर्म हवा है अब इसके अंदर, ठीक है। ये जो इसका नाम भी है इस पे, ये देखो। हाँ, पर एक ध्यान रखना भाई, इस कपड़े को जो है कुछ ना हो। कई बार क्या है, मान लिया बच्चे बच्चे हैं आपके घर में, कोई ब्लेड ब्लेड लग जाता है या कुछ और चीज ऐसी लग जाती है, तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, फिर इसका पर्पज ही खत्म हो जाता है। तो वो हो तो जाती है, जैसे हम टायर में पंक्चर वंक्चर लगाते हैं तो इस टाइप से वो हो तो जाता है। लेकिन एक तरह से यूं कहेंगे कि जो चीज अपनी रियल कंडीशन में है या नेचुरल है, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट तो आ ही जाता है। तो हो सकता है हमें बाद में, क्योंकि मेरे में अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, तो मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और कभी इस तरह की कोई हरकत की नहीं उन्होंने, और मैं भी थोड़ा सा चीज इस टाइप की जो चीजें हैं उनको थोड़ा केयर करके रख लेती हूँ। अब ये जैसे मैंने आपको दिखा दिया है, अब मैं इसमें आपको कपड़े भी लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह से हम कपड़े लगाएंगे। तो दोनों ही तरह से है, मैं तो मोस्टली तो क्या करती हूँ बगैर हैंगर के ही लगा लेती हूँ, लेकिन मैं आपको हैंगर्स में डाल के लगा के दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसमें बहुत सारे कपड़े लगा सकते हैं। और ये देखो भाई, वैसे भी सन दिखाया हुआ है कि ये सन का काम करेगा। अगर हमारा सन आज नहीं निकला है, धूप नहीं है, तो ये हमारा वही काम करेगा कि सन जो है हमारे इस पिटारे के अंदर आ गया आज। और लिख रखा है डू बेस्ट फॉर यू फॉरएवर, है ना। ये भी आ गई अपने हैंगर, और इसको फिर आपने क्या करना है, इजीली लगाने के लिए दोनों तरफ से इस चीज को हम ओपन करेंगे, ठीक है। और फिर ये जो नीचे की तरफ है इस चीज को भी ओपन कर लेंगे, इसको थोड़ा सा हम ऐसे हटा देंगे, ठीक है। पूरा निकालना चाहो पूरा भी निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हमें उसमें ना फिर अनइजी सा फील होता है, तो इसको यहाँ साइड में हम रख लेंगे। और उसके बाद जैसे तो इस तरह से सबसे पहले जैसे ये अंडरगारमेंट के हैं, तो मैं तो इनको ऐसे ले लेती हूँ साइड में, ठीक है। और इनके ऊपर दूसरे कपड़े या ये सॉक्स वगैरह हैं, जैसे इन सॉक्स को यहाँ डाल देती हूँ इनमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे कपड़े आ सके। नहीं तो इसके लिए मेरे पास एक और दूसरा ऑक्टोपस सा है, जिसमें सारे ये अंडरगारमेंट सॉक्स वॉक्स जो है आ जाती है, और उसको लगा के मैं एक साइड में टांग देती हूँ। और उसके बाद जैसे ये हैं बड़े कपड़े, ठीक है, अब ये चाहिए होंगे तो इसको हम ऐसे हैंगर में लगाएंगे, और हैंगर में लगा के इनको जितने हम चाहें, मतलब यहाँ भी इसके साइड में यहाँ भी लगा देते हैं एक दो, ठीक है, लेकिन नॉर्मली यहाँ ऊपर, ठीक है, ये लगाएंगे। और इसमें ज्यादातर ये जो लो क्वालिटी के जैसे हैंगर आते हैं उनको जो है ना लगाएं, थोड़ा सा खराब तो नहीं होते लेकिन मेल्ट होके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, प्लास्टिक के। हाँ, प्लास्टिक टाइप के जो है, ठीक है। अच्छा, ये जैसे एक ही उसके ऊपर आपके, जैसे मैं दिखा देती हूँ, एक ही इसकी पार्ट पे, ये जो ऑक्टोपस की आप कहेंगे टांगे जो हैं, उन टांगों पे एक ही पे हमारे जो है इस तरह से, जल्दी जल्दी लगाओ यार बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो। ये देखिए, एक ही उसपे हमारे क्या आ गए हैं, तीन कपड़े आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये ठीक है, तीन कपड़े आ गए हमारे, अभी तो कितने ही फसाद ही मना थोड़ा ही करेगा, जैसे आप डिशवाशर का जैसे आपने कबाड़ा कर रखा बर्तन पे बर्तन बर्तन पे। हाँ, लेकिन मैं इतने लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली आप क्या करूंगी, इनमें दो दो ही जैसे ऐसे लगा लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। या फिर और भी उससे मैं ज्यादा कपड़े इसमें कम ही डालती हूँ, जो ज्यादा जरूरत के हैं, या यूं कहें कि जो ज्यादा मोटे कपड़े हैं सूखने में टाइम लेते हैं, जैसे पेंट वेंट है, टॉवल्स हैं, वो इसमें लगा देती हूँ। तो उनको तो फिर मैं क्या करती हूँ, सीधा ऐसे क्या किया, ये यहाँ पे टांग लेती हूँ, ठीक है। खुले खुले रहेंगे उतने जल्दी हमारे सूख जाते हैं, तो इस तरह से मैं इन सबको ऐसे लगा देती हूँ। आज थोड़े ही हैं जैसे, तो लेकिन जो जरूरत के थे उस टाइप से मैंने इनको कर लिया है। जैसे सॉक्स है और इस तरह के हमारे जैसे सॉक्स है, इस सॉक्स को मैं यहाँ डाल देती हूँ। हो गए, बस खत्म हो गए। हाँ जी, ठीक है, ऐसे हो गए, जैसे मैंने हैंगर में भी डाल दिए हैं और बगैर हैंगर के भी ऐसे टांग लिए हैं। ये तो बहुत थोड़े कपड़े डाले क्योंकि कम कपड़े थे, और आप हाँ, इसमें मैक्सिमम काफी कपड़े आ जाते हैं यार। हाँ, कपड़े कम हैं, और जो है एक्चुअली थोड़ा सा ना जल्दी है, थोड़ा सा दिखाना मुझे। हाँ, डेमोंस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं आज तो। बट यू मान के चलो कि इसको 10-12 साल हो गए, ये बहुत सही
आपका जो है ना सर्दी मोटी जो जैकेट्स हैं हमारे सूखने में टाइम लेते हैं, बच्चों के जो ब्लेजर होते हैं वो सब जो है इसमें बड़े मजे से सूख जाते हैं भाई, टाइम नहीं लगता। तो जब बच्चे स्कूल जाते थे मेरे तो बड़ा मुश्किल हो जाती थी पहले छोटे थे तब, लेकिन जैसे ये आया तो मुझे बड़े तो इस तरह से हमने ये सारे कपड़े इसमें लगा दिए। ये हम लगाते जाएंगे और अपने हिसाब से हैंगर को नीचे भी करना चाहे नीचे भी कर सकते हैं, जितने आपके कपड़े हैं उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। और एक फायदा ये भी है, मान लिया आपको कहीं जाना है और सर्दियों में भी क्या होता है कई बार मौसम एकदम से चेंज हो जाता है जैसे आजकल हुआ है, और हम बाहर गए हैं हमारे कपड़े बाहर सूख रहे हैं और आते हैं तब तक सारे क्या मिलते हैं वैसे ही मिलते हैं जैसे धो के छोड़ के गए थे, और क्या होता है भीग भी जाते हैं और हमारी मेहनत बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमें कहीं जाना है दो चार घंटे के लिए इसको लगा करके हम जा सकते हैं और टेम्परेचर अपना सेट कर जाए या चला दें तो उस हिसाब से फिर ये अपना काम करता रहता है और हमें कपड़े भी क्या मिलते हैं सूखे हुए कपड़े मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो है मैंने डाल दिया, अब मैं इसको दोबारा ऑन करके दिखाती हूँ आपको। ये हो गया, एक मिनट रुकिए, देखो ये फिर से क्या होगा, हवा बन गई इसके अंदर और हवा बन के अब ये फूलना शुरू हो गया पेटू हो गया पेटू। और दो मिनट रुक जाइए, दो मिनट में ये अंदर से ऐसे ही गर्म हवा निकालेगा जैसे हम देखेंगे तो एकदम से हमारे मुंह पे आके लगती है, इसके पास बैठ के भी मजा सा होता है ना। ये भी जो है ना ऐसे गर्म गर्म हो जाता है जिससे हम यूं सीखते से रहते हैं। तो भाई जिनके है उनको तो पता ही है, लेकिन जिनके यहाँ नहीं है भाई, जिनके बच्चे छोटे भी हैं जैसे छोटे बेबी होते हैं, सर्दियों बड़ी मुश्किल हो जाती है, शुशु कर देते हैं, पजामे चेंज करते रहते हैं हम, उनके डायपर भी इतना लगा नहीं सकते, बच्चा भी साल दर से गीला रहेगा और रेशेज हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये हो ही है कि अलादीन का चिराग ही है कि मिनटों में हमें जो है वो चीजें सुखा करके दे देते हैं, घंटे दो घंटे में आपको वो चीजें ड्राई मिलेंगी। तो इस तरह की जो चीज जिनके पास नहीं है और बच्चे छोटे हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपके लिए तो ये एकदम से वैल्यू फॉर मनी जिसको हम बोलते हैं। तो ये तो भाई हो गया है, दिखा दिया है। इससे रिलेटेड भी आपको अगर कुछ पूछना है, क्योंकि काफी टाइम हो गया है यूज करते हुए, और साथ ही ये नहीं होता कि सभी चीजें एक ही टाइम माइंड में आ जाएं, कोई चीज मैं भूली बैठी भी हूँ आपको बताने के लिए, या हो सकता है आप यूज कर रहे हैं तो ऐसी कुछ बातें हैं तो जरूर आप कमेंट करके मेरे साथ शेयर करें। ओके जी, थैंक यू। मेरी ये जो वीडियो है या मेरा ये अलादीन का चिराग है वो कैसा लगा आप जरूर मुझे बताएं, और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।